Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about loop. In our last lecture we already discussed about conditional statement such as if, if else and if else, if else, and in this lecture we are going to discuss about loop, especially for loop. So let's start. तो स्टूडेंट बात करते हैं लूप्स की. तो लूप का यूज़ क्या है प्रोग्रामिंग में, ये समझिए. देखिए, कभी हमें किसी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, तो एक तो ये है कि हम उसे बार बार लिखें प्रोग्राम में जितनी बार उसकी रिक्वायरमेंट हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लूप का यूज़ करें. तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर हमें रिपीट करना है अनटिल ए सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड, जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक वो प्रोग्राम में वो इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती रहें, तो इसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं. तो लूप में बेसिकली एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, या हम जिसे चेकिंग कंडीशन बोलते हैं, और एक आपका स्टेप वैल्यू होती है जो स्टार्ट से एंड तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होती है. हर बार हम कितने का इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हम स्टार्ट से एंड पर पहुंच सकें. स्टेप वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने स्टेप्स होंगे, 10 स्टेप होंगे, 20 स्टेप होंगे, 10, 20, 30 स्टेप्स, ठीक है, जिसे हम इटरेशन बोलते हैं. तो ये लूप की रिक्वायरमेंट है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर आपको अपना नेम 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम्स देंगे, या फिर आप एक लूप यूज़ करेंगे जिसमें आप स्टार्ट 1 और एंड वैल्यू 10 डिक्लेयर करेंगे और स्टेप वैल्यू 1 डिक्लेयर करेंगे. तो आई थिंक सेकंड स्टेप कहीं ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आपको सिर्फ लूप की कंडीशन देनी है. कंडीशन ये देनी है कि लूप स्टार्ट हो 1 से, एंड हो 10 पर, और स्टेप वैल्यू यानी इंक्रीमेंट हो 1 का, और प्रिंट स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट हो जाए. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखना पड़ेगा. तो एक तो ये एडवांटेज था लूप का. दूसरी बात यह है कि कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है. ये जो डेटा टाइप होते हैं बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को कंटेन करते हैं, ये वैल्यू को कंटेन करने का काम करते हैं, और उसमें डिफरेंट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी हम लूप की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं. वन अगर एक लिस्ट है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं और हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं, 10 के 10 एलिमेंट्स, मान लीजिए एक लिस्ट है और उस लिस्ट में फ्रूट्स नेम है, 10 डिफरेंट फ्रूट्स नेम है, तो हम उसको 1 by 1 फ्रूट नेम एक्सेस करना चाहते हैं, तो लिस्ट को हम अगर हम लूप की हेल्प से एक्सेस करना चाहें तो आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है लिस्ट का. तो लिस्ट सीक्वेंस में जैसे लिस्ट टपल है, स्ट्रिंग में भी करती है, और अगर हमें किसी इंस्ट्रक्शन को या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो तो हम लूप की हेल्प से कर सकते हैं. जहाँ तक पाइथन प्रोग्रामिंग की बात है, पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप, सेकेंड है वाइल लूप. तो लूप दो अलग अलग ज़रूर है, लेकिन सिंटैक्स अलग है इसका बेशक. लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि कंडीशन हमेशा 3 होती हैं. पहला तो स्टार्ट पॉइंट, सेकंड है चेकिंग कंडीशन, और थर्ड है स्टेप वैल्यू. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉर लूप की, और फॉर लूप की भी एक सीक्वेंस में. देखिए, सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में बता देते हैं. लिस्ट आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक डेटा टाइप है, और लूप के साथ आपको उसको समझना है. तो 2-3 बातें लिस्ट के बारे में पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. लिस्ट डिफरेंट आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है. आइटम्स सेम टाइप की भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकते हैं. हो सकता है कि सभी स्ट्रिंग हों, सभी हो सकता है सभी इंटीजर वैल्यू हों, हो सकता है सभी फ्लोट वैल्यू हों, हो सकता है इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों हों. तो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, मे बी दे मे बी ऑफ सेम टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप, स्टोर करने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं. लिस्ट की पहचान ये है कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट आइटम्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. तो मान लीजिए एक लिस्ट है, लिस्ट का नेम है फ्रूट्स, और उसके 3 आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी. तो सभी का टाइप सेम है, सभी के सभी स्ट्रिंग है, इसलिए सभी को डबल कोट्स के अंदर मार्क भी कर रखा है. देखिए यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है. तो ये 3 आइटम्स हैं और इनको हम लूप के हेल्प से एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं इजीली. तो जो सबसे पहले काम हमें करना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा फॉर. फॉर एक कीवर्ड है, याद रखिएगा. फिर एक लूप का वेरिएबल जो ये बताएगा कि जिसके थ्रू हम डिफरेंट आइटम्स को लिस्ट के एक्सेस कर सकते हैं. वो आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम को जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं, या वेरिएबल नेम जो भी हम लेते हैं तो जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए. तो हमने एक सिंपल सा वेरिएबल ले लिया एक्स. जनरली हम ऐसे ही लेते हैं, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, या फिर आई या जे लेते हैं हम. तो उसके बाद कीवर्ड इन, ठीक है, इन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए 1 by 1, लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग के आइटम को एक्सेस करने के लिए. तो ये एक्चुअली सर्च करता है आइटम्स को लिस्ट के अंदर. तो उसके बाद लिस्ट का नेम दे देंगे. तो लिस्ट का नेम यहाँ पर फ्रूट्स है. फिलहाल हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सेम कॉन्सेप्ट टपल और स्ट्रिंग पर भी अप्लाई होता है. हमने लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स. फ्रूट्स
फ्रूट्स यहाँ पे लिस्ट का नेम है, उसके बाद कॉलन का साइन, कॉलन के साइन के बाद आप जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं एंटरप्राइज करने के बाद, वो स्टेटमेंट ये माना जाता है कि वो लिस्ट पर डिपेंडेंट है, वो लूप पर डिपेंडेंट है, और अगर कंडीशन सही है तो फिर आपका वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड थिंग ये है कि जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं वो इंडेंटेशन का यूज़ करके लिखते हैं हम, तो आप देखेंगे एक स्पेस दे दिया है और उसके बाद प्रिंटेक्स लिखा हुआ है। स्पेस का मतलब यहाँ पर यह है, सिग्निफिकेंस ये है यहाँ पर कि ये क्लियरली बता रहा है कि ये स्टेटमेंट प्रिंटेक्स लूप पर डिपेंडेंट है, लूप की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ये प्रिंटेक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर जब लिखा हुआ फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू को फ्रूट्स में सर्च किया जाएगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू होगी फर्स्ट वैल्यू लिस्ट की जो कि एप्पल, तो एप्पल को सर्च किया जाएगा, एप्पल है इसके अंदर तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा, देन एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, एप्पल के बाद बनाना हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक याद रखिएगा, एक एक्स की जो है वो आपकी एक इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर, और आप ये एप्पल बनाना चेरी आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग है, तो एक्चुअली ये इसका एक सीक्वेंस होता है, इसकी एक इंडेक्स पोजीशन होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है, इसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है लिस्ट के आइटम्स को। एप्पल इंडेक्स पोजीशन 0 पर है, बनाना इंडेक्स पोजीशन 1 पर है, और चेरी इंडेक्स पोजीशन 2 पर है, और ये 0 से स्टार्ट होती है और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब एक्स की वैल्यू 0 थी, तो 0 पर एक्स की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब एट पोजीशन 0 देर इज़ अ आइटम नेम एप्पल, सो एप्पल इज़ फाइंड आउट इन द लिस्ट फ्रूट्स, देन एप्पल विल बी प्रिंटेड, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू जब 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो एट इंडेक्स पोजीशन 1 देर इज़ एन आइटम नेम बनाना, तो फिर बनाना प्रिंट हो जाएगा, देन आफ्टर चेरी प्रिंट हो जाएगा, और चेरी प्रिंट होने के बाद बाकी आगे कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगा। यहाँ पर मैं एक आपको बता दूँ कि लूप इनिशियलाइज भी हुआ है फर्स्ट वैल्यू से एप्पल से, और इंक्रीमेंट हुआ है 1-1 का, एप्पल के बाद बनाना आएगा, बनाने के बाद चेरी प्रिंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि एप्पल प्रिंट हो जाए उसके बाद चेरी प्रिंट हो जाए बनाना प्रिंट ना हो, तो सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन होगा इसका, और ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि इसके सभी आइटम्स प्रिंट नहीं हो जाते, तो ऑब्वियसली 3 आइटम्स थे तो 3 आइटम्स तब तक प्रिंट नहीं हो जाते तब तक हम लूप के बाहर नहीं आएंगे, तो इसके 3 आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इसमें स्टार्ट कंडीशन है एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू एप्पल होगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं एट इंडेक्स पोजीशन 0 देर इज़ अ वैल्यू नेम एप्पल, ठीक है, एट इंडेक्स पोजीशन 1 देर इज़ अ वैल्यू नेम बनाना, एंड एट इंडेक्स पोजीशन 2 देर इज़ अ वैल्यू नेम चेरी, आफ्टर चेरी देर इज नो अदर एलिमेंट, सो लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स इन दिस केस, एप्पल बनाना एंड चेरी विल बी प्रिंटेड। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, एप्पल बनाना और चेरी। उसके बाद हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और एक बार लूप के बाहर आने के बाद कुछ हमारा कोई और स्टेटमेंट है नहीं, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कम्प्लीट हो चुका होगा, तो एप्पल प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट होगा और चेरी प्रिंट होगा। आगे देखते हैं, ये सेम काम जो अभी हमने लिस्ट के साथ किया ये हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ करेक्टर्स, जैसे आपका नेम है डिफरेंट करेक्टर्स आते हैं, जैसे मेरा नेम है मान लीजिए प्रवीण, तो पी एक करेक्टर होगा, आर एक करेक्टर हो गया, तो एक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग कहलाते हैं, और स्ट्रिंग को हम जनरली डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लूप हमने एक लिस्ट के लिए चलाया था वो लूप हम एक स्ट्रिंग के लिए भी चला सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग में भी डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, तो 1 by 1 सभी करेक्टर लूप के प्रिंट हो जाएंगे लूप में अगर हम इसे रन कराते हैं। तो जैसे मैंने लिखा फॉर एक्स इन बनाना, अब ये एक स्ट्रिंग है बनाना जिसमें करेक्टर्स हैं बी है, ए एन ए एन ए, दीज आर द करेक्टर्स, और इसमें भी वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू बी होगी, तो चूंकि प्रिंट एक्स स्टेटमेंट दे रखा है तो बी प्रिंट हो जाएगा, देन ए दे रखा है तो ए प्रिंट हो जाएगा, एन दे रखा है तो एन प्रिंट हो जाएगा, देन फिर ए प्रिंट होगा, फिर एन प्रिंट होगा, देन लास्ट में फिर ए प्रिंट होगा। तो ये 1 by 1 सभी प्रिंट हो जाएंगे, तो ये एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं बनाना के। अब यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, और वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक एक कीवर्ड है याद रखिएगा, और जब कीवर्ड की बात करते हैं तो कीवर्ड का मतलब ये है, ये एक रिजर्व वर्ड्स है कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन के लिए। जब भी कभी वो इनकाउंटर होते हैं, जब कभी वो आते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो पाइथन इंटरप्रेटर को पता होता है कि इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑलरेडी फिक्स होता है। वैसा ही एक कीवर्ड है ब्रेक। ब्रेक जहाँ कहीं भी आएगा आप लूप के बाहर आ जाएंगे अनकंडीशनली, मतलब कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, ब्रेक आ गया, ब्रेक का मतलब है लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप बेशक आगे की और वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होना होगा, लेकिन चूंकि ब्रेक आ चुका है तो आप ब्रेक से बाहर आ जाएंगे लूप के। तो ब्रेक एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ब्रेक एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। ब्रेक के साथ कभी कोई कंडीशन नहीं मेंशन करते,
लूप के साथ कंडीशन होती है, इफ़ एल इफ एल्स के साथ इफ़ के साथ कंडीशन होती है, इफ एल्स में भी कंडीशन होती है, इफ एल इफ एल्स में भी कंडीशन होती है, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट है। लेकिन ब्रेक एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, सिर्फ आप ब्रेक लिखिए और जहाँ कहीं भी ब्रेक प्रोग्राम में आएगा वहाँ हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, हम अगर डायरेक्ट इसको ब्रेक को लूप के अंदर लिख देंगे, ठीक है, लूप की बॉडी का पार्ट अगर हम इसे बनाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, तो लूप के आगे की वैल्यू के लिए कभी रन नहीं होगा प्रोग्राम। तो डायरेक्ट हम ब्रेक कभी लिखते नहीं हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ब्रेक को हम लिखते हैं पर्टिकुलर, अगर हमें ये चाहिए कि लूप की मान लीजिए 5 या 6 वैल्यूज़ हैं और उनके लिए लूप रन कर रहा है, और हम ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो या एक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए तो हम लूप के बाहर आ जाएँ, तो फिर वहाँ हम इफ़ के साथ वो कंडीशन मेंशन करते हैं और उसके अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट मेंशन करते हैं ताकि हम लूप के बाहर आ सकें, जैसा कि इस केस में किया गया। आप केस आप प्रोग्राम देख के समझेंगे। तो इसमें अगेन एक लिस्ट ली गई है, सेम लिस्ट फ्रूट्स, और इसके 3 आइटम्स हैं, एप्पल है, बनाना है, चेरी है, तो 3 आइटम्स हैं। अब हम इसके लिए लूप चलाएंगे, तो हमने लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो एक्स की वैल्यू को फ्रूट्स में सर्च किया जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है प्रिंट एक्स, एक्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ इफ़। अब जरा इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, कि चूँकि दोनों का स्पेस इक्वल है स्टार्टिंग पॉइंट में, तो दोनों को ये माना जाएगा कि दोनों आपके फॉर पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर प्रिंट एक्स के बाद ये सेकंड स्टेटमेंट भी रन होगा, जब कभी भी लूप चलेगा तो इफ स्टेटमेंट भी रन होगा। तो अब यहाँ पर जब रन होगा तो लिखा एफ इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना, अगर एक्स की वैल्यू बनाना है तो क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्स की वैल्यू एप्पल है, तो एप्पल के लिए एप्पल प्रिंट हो जाएगा, और एप्पल इज इक्वल टू बनाना फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कैसे पता चला कि ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, इफ़ के बाद जब कॉलन कंडीशन के बाद कॉलन का साइन लिखा हुआ, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक लिखा हुआ, तो स्पेस देखिए आप, स्पेस देने के बाद लिखा हुआ, इंडेंटेशन के बाद ब्रेक लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपली मींस दैट ब्रेक स्टेटमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अभी तो जब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा एप्पल के लिए तो कोई बात ही नहीं, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब एक्स की वैल्यू बनाना हो जाएगी, तो फिर जब एक्स की वैल्यू बनाना हो जाएगी तो बनाना प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन फिर से चेक होगी। कंडीशन जैसे ही चेक होगी तो चेक होगा उसके बनाना इज इक्वल टू बनाना, तो बनाना इज इक्वल टू बनाना कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, एंड देन आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट आएगा आपका। और ब्रेक स्टेटमेंट के आते ही, ठीक है, हम लूप के बाहर आ जाएंगे अनकंडीशनली। हालांकि लूप चेरी के लिए भी चलना था, लेकिन चूंकि ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो सिर्फ एप्पल प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट होगा, और चेरी के लिए लूप चलेगा ही नहीं, तो चेरी कभी प्रिंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का एडवांटेज रहता है कि ब्रेक स्टेटमेंट एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट होता है। जब कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर आता है, इफ के अंदर भी आता है इवन अगर, तो हम बाहर आ जाते हैं लूप के, ठीक है, कंडीशन के हम बाहर आ जाते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया है, चाहे लूप की आगे की वैल्यू के लिए क्यों ना, बेशक उसे रन होना क्यों ना हो। तो इसमें आप जैसे आप देखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू बनाना जैसी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट था, और ब्रेक के बाद ब्रेक आते ही हम लूप के भी बाहर आ जाएंगे, इफ के तो बाहर आएंगे आएंगे, लूप के भी बाहर आ जाएंगे, और लूप के बाहर कुछ और एग्जीक्यूट होने को है नहीं, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ कम्प्लीट हो जाएगा और सिर्फ एप्पल और बनाना प्रिंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, कंटिन्यू। जैसे ब्रेक एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, उसी तरीके से कंटिन्यू भी एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों आपके कीवर्ड्स हैं, तो इसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स है। तो हमने देखा कि ब्रेक के साथ हम कभी कंडीशन नहीं लिखते, इसलिए इसे अनकंडीशनल स्टेटमेंट माना जाता है। कंटिन्यू के साथ भी कभी कंडीशन नहीं लिखते। ये दोनों को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एग्जाम में सब पूछे जाते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और दोनों के दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों ही अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। ये अलग बात है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ब्रेक में क्या होता है, हम अनकंडीशनली लूप के बाहर आ जाते हैं, जबकि कंटिन्यू में पर्टिकुलर किसी इटरेशन के लिए लूप को हम एस्केप कर देते हैं, लूप की वैल्यू को एस्केप कर देते हैं और आगे की वैल्यू के लिए लूप रन करता है। तो प्रोग्राम सेम ही है, बस इस बार काम करेंगे कि हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखेंगे और देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक हमने लूप ले लिया फ्रूट्स, सॉरी एक लिस्ट ले ली फ्रूट्स, और इसके 3 आइटम्स हैं, आप देख सकते हैं, एक एप्पल है, एक बनाना है, एक चेरी है, ठीक है। और यहाँ लिखा हमने फॉर एक्स इन फ्रूट्स, एक्स की वैल्यू को हम फ्रूट्स में देखेंगे, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू होगी एप्पल,
तो कंडीशन यहाँ पर है इफ़ एक्स इक्वल टू बनाना, तो एप्पल इज इक्वल टू बनाना चेक होगा, ऑब्वियसली नहीं है, नहीं है तो कंटिन्यू नहीं आएगा, और प्रिंट एक्सेस स्टेटमेंट दे रखा है तो इट मीन्स एप्पल प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स वैल्यू हो जाएगी बनाना, अब लूप के अंदर फिर से कंडीशन चेक होगी बनाना इज इक्वल टू बनाना, इस समय कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी क्योंकि बनाना इज इक्वल टू बनाना ट्रू फाइंड आउट होगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही रन होगा तो उसके बाद क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं डजेंट मैटर, ठीक, उसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट क्यों ना आ रहे हों वो रन नहीं होंगे और लूप अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए रन होगा, यही कंटिन्यू का डिफरेंस होता है। तो जहाँ हम ब्रेक में अनकंडीशनली बाहर आ जाते हैं, कंटिन्यू में हम पर्टिकुलर किसी इटरेशन के लिए वैल्यू को एस्केप कर देते हैं और नेक्स्ट वैल्यू के लिए लूप रन होता है, तो अब लूप बनाना के लिए रन नहीं होगा, इसलिए प्रिंट एक्स यानी प्रिंट एक्स में एक्स वैल्यू बनाना प्रिंट नहीं होगा और लूप की नेक्स्ट वैल्यू यानी चैरी के लिए अब लूप प्रिंट करेगा, चैरी के लिए लूप रन होगा। तो हम देखेंगे चैरी के लिए जब रन होगा तो चैरी इज इक्वल टू बनाना, कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं आया, रन होगा, तो उसके बाद प्रिंट एक्स है तो चैरी प्रिंट हो जाएगा। अब लूप तीनों वैल्यू के लिए चल चुका है, एप्पल के लिए, बनाना के लिए, चैरी के लिए, तो लूप के हम बाहर आ जाएंगे और आंसर होगा एप्पल और चैरी। यहाँ पर ही मैं आप क्लियर कर दूँ कि जब कभी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो पर्टिकुलर उस इटरेशन के लिए जिसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ है उसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे की जो स्टेटमेंट होते हैं वो रन नहीं होते, उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और जबकि ब्रेक में हम अनकंडीशनली लूप के बाहर आ जाते हैं, तो ये ब्रेक और कंटिन्यू दोनों के दोनों आपके अनकंडीशनल स्टेटमेंट हैं, अनकंडीशनल स्टेटमेंट है और इसमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती जब कभी इनकाउंटर होते हैं। ब्रेक में हम बाहर आ जाते हैं जबकि कंटिन्यू में पर्टिकुलर इटरेशन के लिए लूप की आगे की जो स्टेटमेंट होते हैं उनको रन नहीं करते और लूप नेक्स्ट इटरेशन के लिए रन होता है। एक फंक्शन और है और इस फंक्शन का नाम है रेंज फंक्शन, तो रेंज फंक्शन को भी समझ लेते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि लिस्ट और स्ट्रिंग के लिए किस तरीके से हम लूप को चलाते हैं, अब एक रेंज फंक्शन है, तो रेंज फंक्शन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आपको अगर आप लूप रन कराना चाहते हैं तो स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और आपके इंक्रीमेंट जिसे हम स्टेप वैल्यू बोलते हैं उसको एक साथ मेंशन कर सकते हैं इसमें, तो ये रेंज फंक्शन के थ्रू किया जा सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज 6, ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज 6 रेंज फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो इसमें अंदर तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 वैल्यू देते हैं, एक स्टार्ट और एक स्टेप और एक स्टॉप, तो पहले स्टार्ट देते हैं फिर स्टॉप वैल्यू देते हैं और फिर स्टेप वैल्यू देते हैं। स्टार्ट आपने अगर आप एटलीस्ट आपको स्टॉप वैल्यू तो मेंशन करनी ही पड़ेगी, बाई डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू होती है 0, बाई डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू होती है +1 और स्टॉप वैल्यू आपको देनी होती है। तो इसके अंदर मैंने स्टार्ट नहीं दिया, स्टेप नहीं दिया, सिर्फ स्टॉप वैल्यू दी है जो 6 है, तो 6 दिया इसका मतलब ये एक स्टॉप वैल्यू कंसिडर की जाएगी, यानी लूप आपको वैल्यू 6 तक रन कराना है, ठीक है। तो 0 से रन होगा, इंक्रीमेंट चूँकि 1 का है प्लस का, या स्टेप वैल्यू 1 है तो लूप 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, 6 के लिए नहीं चलेगा। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो स्टॉप वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, यानी यहाँ अगर मैंने लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 6 तो 6 के एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए लूप नहीं चलेगा, 5 तक चलेगा लूप। और चूँकि स्टार्ट वैल्यू नहीं दी तो स्टार्ट वैल्यू जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने बाई डिफ़ॉल्ट 0 होती है और स्टेप वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 1 होती है। तो लूप एक्स की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 0 के लिए, 0 से स्टार्ट होगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए रन होगा, 6 के लिए रन नहीं होगा। इसमें मैंने स्टेटमेंट दे रखा प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया तो ऑब्वियसली 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। लिखा भी है नोट करके, नोट 6 नोट में रेंज 6 इज़ नॉट द वैल्यू 0 टू 6 बट द वैल्यू 0 टू 5, तो वैल्यू 0 से 5 तक रन होगी, 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, वो एक्सक्लूड होती है, इसको याद रखिएगा। स्टेप वैल्यू बाई डिफॉल्ट 1 होती है और स्टार्ट वैल्यू बाई डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट वैल्यू देके देखते हैं, जैसे आपने लिखा फॉर एक्स इन एज 2,6, सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू देते हैं, कॉमा करके स्टॉप वैल्यू देते हैं, कॉमा करके स्टेप वैल्यू देते हैं, स्टेप तो दी नहीं है आपने लेकिन स्टार्ट और स्टॉप दे रही है, तो स्टार्ट होगा 2 से, एंड होगा 6 पर, इंक्रीमेंट होगा 1 का। तो पहले तो एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, 6 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, तो जो आपने 6 दिया है 6 के लिए लूप नहीं चलेगा, 5 तक लूप चलेगा, तो 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा और 5 प्रिंट होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर स्टेप वैल्यू दें तो क्या होगा। ये देखिए जैसे लिखा हुआ फॉर एक्स इन रेंज 2, 10, 5, तो स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, लूप चलेगा 10 तक और इंक्रीमेंट होगा 5 का। तो पहली बार जो लूप चलेगा तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो एक्स इक्वल टू 2 + 5 मीन 7 के लिए चलेगा, थर्ड टाइम अगर लूप को चलना होगा तो 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 के लिए लूप नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट वैल्यू ही 10 है, ठीक है, 10 भी होता तब भी नहीं चलता क्योंकि वो एक्सक्लूड होती है, ये तो 10 से भी ज़्यादा हो गया, 12 है तो 12 के लिए तो नहीं चलेगा। तो लूप सिर्फ दो बार चलेगा, एक 2 के लिए और एक 7 के लिए, तो एक्स वैल्यू को ही प्रिंट कराया जाए तो एक बार 2 प्रिंट हो जाएगा और एक बार 7 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के बात यह है कि रेंज फंक्शन के थ्रू हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू को मेंशन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, और एटलीस्ट हमें स्टॉप वैल्यू को तो मेंशन करना ही होता है अगर हमें लूप चलाना है तो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। अब एक और है और वो है एल्स इन फॉर लूप। एल्स का स्टेटमेंट, एल्स आपने इफ़ के साथ भी देखा, एल्स को हम लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि हम लूप चला रहे थे, कंडीशन सेटिस्फाइड थी, लूप चल रहा था, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते ही या कंडीशन फॉल्स पाए जाते ही हम लूप के बाहर आ जाते थे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पर भी लूप रन करे या कोई स्टेटमेंट हो जो रन करे, तो आप फॉर के साथ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया है। जैसे लिखा गया फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए लूप चलेगा और एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएंगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू 6 आएगी तो इसके बाद एल्स वाले पोर्शन में हम चले जाएंगे क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब तक कंडीशन ट्रू थी तब तक तो फॉर का पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, कंडीशन फॉल्स होती एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाले पार्ट में दे रखा है प्रिंट फाइनली फिनिश्ड, तो फाइनली फिनिश्ड प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर कुछ आपका इस तरीके से आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट स्टेटमेंट आएगा फाइनली फिनिश। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से इफ़ के साथ एल्स के स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है उसी तरीके से फॉर के साथ भी एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। तो लिखा भी हुआ द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द लूप इज सपोर्टेड बाय द ब्रेक स्टॉप बाय द ब्रेक स्टेटमेंट। तो एक बात और इंपॉर्टेंट दे रखी है कि अगर आपने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि ब्रेक स्टेटमेंट जब इनकाउंटर होता है लूप के अंदर तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। अब एल्स कोई अलग नहीं है, एल्स भी लूप का ही पार्ट है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कंडीशन के फॉल्ट होने पर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर कहीं भी लूप में ब्रेक आ गया तो आप लूप के कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे, तो एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, समझ जाइएगा। ये नहीं कि कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ब्रेक का मतलब कंडीशन फॉल्स होने से नहीं है, ब्रेक का मतलब यह है कि अनकंडीशनल स्टेटमेंट है ब्रेक, और इसका मतलब यह है कि जैसे ही ब्रेक आएगा तो आप लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, चाहे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही, डजेंट मैटर, ब्रेक से हम लूप के बाहर आ जाएंगे। उसमें एल्स दे रखा है नहीं दे रखा है इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्स गिविन भी है लेकिन ब्रेक आ गया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि एल्स वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक फॉर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कहीं ब्रेक आ गया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अब एक बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। देखिए जब कभी भी आप लूप चलाते हैं, लूप को रन करते हैं गिवन वैल्यूज़ के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट देना होगा जो लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर रन हो। लेकिन अगर हम कोई स्टेटमेंट नहीं देते तो एरर आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एक्स इन 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 आर द पार्ट ऑफ द लिस्ट, एक लिस्ट है, तो एक्स की वैल्यू पहले 0 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। अभी तक हमने जब लिस्ट ली थी तो लिस्ट की वैल्यूज़ को स्ट्रिंग लिया था, लेकिन यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले रखी है। हम इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं, दोनों भी मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो फिलहाल एक्स की वैल्यू लिस्ट में 0, 1, 2 में सर्च की जाएगी, तो पहले वैल्यू 0 होगी, तो 0 के लिए लूप चलेगा। और मैं चाहता हूँ कि कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो लेकिन एरर भी ना आए, तो मैं वहाँ पास लिखूँगा। तो पास स्टेटमेंट लिखने से क्या होता है कि एरर नहीं आती, तो इस केस में कोई एरर नहीं आएगी और लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन प्रिंट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट दे ही नहीं रखा। तो अगर कभी आपको ऐसा करना है कि आप ये चाहते हैं कि एरर ना आए, लूप भी रन हो जाए, तो आप पास स्टेटमेंट को यूज़ कीजिएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कल हम बात करेंगे व्हाइल लूप की, व्हाइल लूप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।